एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद खबर बालोद से, जहां पर जिले में धान खरीदी को लेकर जहां जिला प्रशासन लगातार अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित कर रही है, वहीं राज्य सरकार के आदेश पर प्रदेश के सचिव स्तर के अधिकारी भी लगातार धान खरीदी केंद्रों का दौरा कर अपने स्तर पर जांच तो कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जिले के धान खरीदी केंद्रों में किसानों के धान में मिलावट की भी बातें सामने आ रही हैं, जिससे कहीं न कहीं अब प्रशासन के धान खरीदी को लेकर किए जा रहे दावों की भी पोल खुल रही है। वहां बैठा था, उसके बाद ग्राम सेवक आए, मैडम आए, यहाँ से क्या कहना चाहिए प्रबंधक, तो यहाँ पे और दो चार किसान आए, उसे देखा कि इसमें धान ऊपर में रेती दिख रहा था। उसके बाद उसके प्रबंधक को आए और उसको कांटा करवाने के लिए बोले एक दो किसान लोग, तो उसमें वजन कम आया। जानकारी होने के बाद मैं तुरंत यहाँ पहुंचा सोलर सोसाइटी, जिस समय मैं मौजूद था वहाँ, इस पर वहाँ पर मौजूद अधिकारी ग्राम सेवक इस जोन का वो स्वयं थी, और 123 कट्टा कुल धान में सिर्फ 14 कट्टा का कार्रवाई बनाएगा। ये सोलर सोसाइटी है और यहाँ मामला धान खुला था, उसमें ऊपर से रेत देखा गया, उसमें रेत, और उसके बाद अधिकारी द्वारा यहाँ तौलाया गया तो उसमें वजन कम पाया गया, तो उसको उस समय किसान लोग बोले कि नहीं इसको तुरंत साफ करवाइए, रेती को अलग करवाइए, तो वो जो बोरे में धान थे उसको त्रिपाल बिछा करके उसको खाली कर रहे थे साफ करने के। इस तरह की जानकारी मिली है और सूचना भी प्राप्त हुई है कि गुरूर ब्लॉक का जो सोरर धान उपार्जन केंद्र है वहाँ धान के कुछ बोरों में रेत मिले हैं। प्राथमिक तौर पर यह बताया गया है कि 14 बोरों में धान के बोरे में रेत मिले हैं। इसकी जांच करने के लिए तहसीलदार को सोरा रवाना किया गया है, जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई।